Hello student, welcome back to Tapovan Group of School. Myself Rinkle Sondagar. So today we will learn about Standard 5th subject English 2. The chapter number 11th imperative and optative. आज हम क्या सीखने वाले हैं? Imperative and optative sentence के बारे में learn करने वाले हैं. So let's start our chapter. इम्परेटिव सेंटेंस जो ऐसे सेंटेंस है जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, उन्हीं में से एक है इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पहले देखेंगे. एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड और रिक्वेस्ट. इम्परेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? कमांड और रिक्वेस्ट. कमांड का मतलब हम किसी को आदेश देना, किसी को कमांड देना, जिसे कि हम कहते हैं कि स्टैंड अप या फिर सिट डाउन, ये क्या है? हमारा कमांड है. रिक्वेस्ट का मतलब है हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ ये कर दो, जैसे कि. और देर आर थ्री काइंड ऑफ इम्परेटिव. कितने काइंड के है इम्परेटिव? थ्री काइंड्स है. तो फर्स्ट है सेकेंड पर्सन इम्परेटिव, फर्स्ट पर्सन इम्परेटिव, थर्ड पर्सन इम्परेटिव. तो सेकेंड पर्सन इम्परेटिव में आएगा जब हम किसी दूसरे इंसान से जब हम बात करते हैं. फर्स्ट पर्सन इम्परेटिव में आएगा जब हम खुद के लिए कहते हैं. एंड थर्ड पर्सन में आएगा जब कोई इंसान जो वहाँ पर हाजिर नहीं होता है उसके लिए हम जब बात करते हैं तब क्या आएगा? थर्ड पर्सन इम्परेटिव. जैसे कि सेकंड पर्सन इम्परेटिव में आएगा हरी अप, जल्दी करो, जो हम दूसरे पर्सन से कहते हैं. ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो. हेल्प द नीडी पर्सन, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए. ब्रिंग अ ग्लास फॉर वाटर फॉर मी, मेरे लिए ग्लास पानी लाओ. और फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन इम्परेटिव में जब हम खुद के लिए कहते हैं लेट्स स्टैंड हियर, यहाँ पर खड़े रहो. लेट अस सर्व अवर कंट्रीज, हमारी कंट्री की सेवा करो, करनी चाहिए. लेट मी फॉरगेट इट, मुझे भूलने दो. लेट मी गो बैक होम नाउ, मुझे अभी घर जाना दो. थर्ड पर्सन इम्परेटिव में क्या आएगा? लेट हर कम इन, उसे अंदर आने दो. लेट हिम गो बाय ट्रेन, उसे ट्रेन से जाने दो. लेट देम फिनिश देयर होमवर्क, उन्हें उनका होमवर्क फिनिश करने दो. लेट देम सॉल्व दिस सम देमसेल्व, क्या है यहाँ पर? All forms of affirmative imperatives can be changed into negative imperative with don't. हम क्या करेंगे? जो भी imperative imperative sentence है हम उसे किस में change करेंगे? Negative imperative sentence में हम उसे change करेंगे. और उसका short form क्या रहेगा? हम don't से negative बनाएंगे. Affirmative का मतलब है स्वीकार्य, negative का मतलब है नकारात्मक. तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? Eat your dinner, रात का भोजन खाओ. डोंट ईट योर डिनर, खाना मत खाओ. लेट अस गो फॉर अ वॉक, वॉक के लिए जाने दो. तो क्या क्या? डोंट लेट अस गो फॉर अ वॉक, क्या आएगा? लेट देम वॉक नॉनसेंस और डोंट लेट देम टॉक नॉनसेंस. An adverbial particle is a word used after a verb to show position, direction of movement, etc. हम adverbial particle को हम जो word है उसका हम use कब करेंगे? उसके जो verb है हमारा उसके पहले करेंगे, जब किसी position, किसी direction के बारे में बात करेंगे, जिसे कि away, up,
डाउन ऑफ इन आउट एक्सेट्राज। हमने इम्पेटेटिव सेंटेंस के बारे में देखा, अब हम क्या करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में लर्न करेंगे। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ डिजायर और अ प्रेयर। ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, डिजायर मतलब हमारी इच्छा और प्रेयर मतलब प्रार्थना। लाइक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑल्सो एंड्स विथ साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्या कहा गया है, जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं हम हमारी इच्छा को और हमारी प्रार्थना को, जैसे कि भगवान इसे लंबी उम्र दे, तो ये क्या है, हमारी प्रेयर है। और उसका जो भी जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसके एंड्स में क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा, एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा जियो। मे यू पास दिस एग्जामिनेशन, तुम इस एग्जामिनेशन में पास हो जाओ। मे यू सक्सेस इन लाइफ, तुम लाइफ में सक्सेस हो जाओ। और हमें जो भी सेंटेंस है उसके पीछे हम क्या लगाए, एक्सप्लेनेशन मार्क लगाए गए, ठीक है। देन क्या है, ओ दैट आई वेर यंग, ओ दैट आई हैड अ कार, ओ दैट आई हैड बीन सक्सेसफुल इन लाइफ। उसी तरह वुड दैट ही वेर अ लाइफ, वुड दैट आई वेर अ किंग, वुड दैट यू वेर विथ मी। ये सब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और हमें याद रखना है सेंटेंस के एंड में हमें एक्सप्लेनेशन साइन लगानी है, ठीक है। हम इसे एक बार फिर से देखेंगे। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड एंड रिक्वेस्ट, और ऑपरेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करता है, हमारा जो डिजायर और हमारी प्रेयर को एक्सप्रेस करता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड और रिक्वेस्ट, उसमें कितने काइंड के इंपरेटिव होते हैं, देयर आर थ्री काइंड ऑफ इंपरेटिव, सेकेंड पर्सन इंपरेटिव, फर्स्ट पर्सन इंपरेटिव एंड थर्ड पर्सन। सेकेंड में हम जब किसी दूसरे पर्सन के बारे में दूसरे पर्सन को बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये इंसान दिख रहा है, इस औरत को क्या कहता है, हरी अप, ये क्या है, जल्दी करो, ये क्या है, सेकंड पर्सन इम्परेटिव है, हरी अप। फर्स्ट पर्सन में जब हम खुद से बात करते हैं, खुद के लिए कहते हैं, लेट स्टैंड हियर, लेट अस सर्व अवर कंट्रीज, लेट मी फॉरगेट इट, लेट मी गो बैक होम नाउ। एंड थर्ड पर्सन इम्परेटिव में जब हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो और वो भी हाजिर उपस्थित नहीं होता है, उसके बारे में बात करें, लेट हर कम इन, लेट हिम गो बाय ट्रेन, लेट देम फिनिश देयर होमवर्क, लेट देम सॉल्व दिस सम देमसेल्फ। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस डिजायर और प्रेयर, डिजायर मतलब हमारी इच्छा एक्सप्रेस करता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और हमारी प्रार्थना एक्सप्रेस करता है, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, उसके बाद क्या लगाए गए हम, एक्सप्लेनेशन मार्क साइन लगाए गए। आपको इसको ध्यान रखना है सेंटेंस जब भी आपको आए तब। सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।